दोस्तों नमस्कार, पंकज सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर है आप लोगों के लिए। मैं सर, मेरा डेली वीडियो बनाने का एक मकसद होता है ना, हम लोग जो है ना सोचते हैं, समझते हैं और चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर रोज आप एक वीडियो देखिए और उस वीडियो को फॉलो कीजिए, उसमें बताई गई बातों को फॉलो कीजिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप अपनी जिंदगी में कर लीजिए। तो मेरा मकसद यही होता है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ इन वीडियो से बातें सीखें और समझें, कमेंट करके मुझे बताएं ताकि कैसे और अच्छी वीडियो बन सके। दोस्तों आज के दिन में इंडिया में सबसे ज्यादा, भारत देश में सबसे ज्यादा एक स्पोर्ट्स को खेला और फॉलो किया जाता है, वो है क्रिकेट। और चलिए क्रिकेट के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शुरू करना चाहता हूँ। 200, 250 ओवर में पूरी की पूरी टीम बनाया करती थी। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक आदमी 200 रन भी बना सकता है। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जी ने 200 रन बनाया, तब लोगों को लगा कि हाँ 200 रन भी बन सकते हैं। तो सब कुछ हमारे अंदर ही छुपा है, उस कैपेबिलिटी को लेकिन हम पहचानते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है। अगर हमें खुद पर विश्वास है कि हम इस चीज को कर लेंगे, तो समझिए कि कर ही लेंगे। बस 2010 में पहली बार सचिन तेंदुलकर जी ने तो दोहरा शतक बनाया, उसके बाद रोहित शर्मा जी ने बनाया, उसके बाद क्रिस गेल ने बनाया, उसके बाद पता नहीं कितने लोगों ने बनाया। इनफैक्ट वो लिस्ट 6 से 8 जनों की हो गई। तो 2010 के पहले कोई ये नहीं जानता था, समझता था कि एक बल्लेबाज अकेले खुद वनडे में 200 रन भी बना सकता है। लेकिन आज उसे लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो जब उसे ऐसा लगता है कि वो भी कर सकता है, तो आप क्यों पीछे हैं अपनी जिंदगी में? आप भी अपने गोल सेट कीजिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर कोशिश करते रहिएगा तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाइएगा। पेश करता हूँ, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अगर आप चलना बंद कर दीजिएगा तो कहीं नहीं पहुंचिएगा, अगर आप चलते रहिएगा तो कहीं ना कहीं पहुंच जाइएगा। दोस्तों, धन्यवाद।